रीअलाइनमेंट होती है बेसिकली, कि जो लाइफ में हम जो गुजारी है, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल कोई झुक के बैठा है तो हम वो देखते हैं उनकी पीठ निकल आती है, या कोई पोस्चर ऐसा है, या उन्होंने कोई गेम्स ऐसी खेली हैं या एक्टिविटी ऐसी रखी है जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो अपनी पोजिशन में ही होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट मैल आउट, अलाइन मिसअलाइन हो मैल जाती है. अलाइन हो जाती हैं बेसिकली. इसमें इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा जो केसेस अब हमारे पास आते हैं ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी जो हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा बैठने का काम है, ठीक है. उसके अलावा जो क्या कहते हैं, ज़्यादा देर लेटे रहने वाले लोग, ज़्यादातर जो 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं वो आते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न ये होता है कि सारा दिन उन्होंने बैठ के आपके डेस्क पे बैठना है और उन्होंने आके आपके कंप्यूटर के ऊपर काम करना. काम करना है. तो उसके अंदर वो उनका एक स्पेसिफाइड सा पॉस्चर बन जाता है जिसको हम सी शेप पॉस्चर कहते हैं. तो वो पॉस्चर जब उनका ख़राब होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से जितने भी मसल होते हैं उसमें स्पैज़म बनना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी जो जितने भी डिस्क हैं उन पर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, विच कॉजेज पेन अलॉन्ग विद दी नर्व कंप्रेशंस, ठीक है. सो व्हाट वी डू इज़ बेसिकली वी असेस द बॉडी, वी असेस देयर स्पाइन एंड देन वी रिलीज इट एंड वी एडजस्ट देयर स्पाइन इन अ मैनर के वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए. ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए. तो एग्जैक्टली exactly. एसेस कैसे करते हैं, कोई मशीन है या मतलब ये उसमें फिजिकली एसेस जी होता है? जी उसमें कुछ कुछ फिजिकली असेस होता है और कुछ चीज़ें होती है जैसे कि आपका कुछ गोनियोमीटर होते हैं, कोई ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग असेस करते हैं कि जो पेशेंट है उसका अलाइनमेंट कितनी बैलेंस आउट हुई हुई है. अच्छा अभी ये जो अलाइनमेंट का है, फॉर एग्जांपल ऐसा भी, अब हमने वीडियोस देखी हुई, हमने बहुत सारी जो कायरो प्रैक्टिस की हैं वो कड़के निकाल रहे होते हैं, और वो उसके बाद लोग बहुत पेन में भी आते हैं आप लोगों के पास, लेकिन रीअलाइनमेंट के बाद जो है वो रिजॉल्व हो जाता है जी मसला बिल्कुल सारा. ऐसा ही है. इसमें बहुत ज़्यादा जो केसेस आते हैं हमारे पास वो डिस्क बल्ज के आते हैं, शियाटिका के आते हैं, और शियाटिका डिस्क बल्ज इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इलाज है कायरोप्रैक्टिस. अच्छा, अब ये जो आपने बताई है टर्म्स, इनको एक्सप्लेन भी करें ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा समझ जी भी आ बिल्कुल. जाए. कायरोप्रैक्टिस का मतलब सॉरी जो वो शियाटिका शियाटिका कैटिक. शियाटिका बेसिकली इज नोन एज शियाटिक नर्व इम्पिंजमेंट. शियाटिक नर्व इम्पिंजमेंट का मतलब यह है कि जो आपकी शियाटिक नर्व है, एक हमारे जितने भी जो जैसा अभी हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, इस सब को ब्रेन से 12 किस्म की नर्व्स निकलती हैं, वो पूरी आपकी बॉडी को जो है आगे आके सप्लाई करती हैं. उसमें से एक का नाम है शियाटिक नर्व. ठीक है. शियाटिक नर्व आपकी L4 L5 जो मोरा है, अक्सर अक्सर लोगों को L4 L5 L5 S1 का नाम पता होता है. L4 L5 या L5 S1 में जब मोरे के दरमियान गैप कम हो जाता है उसके दरमियान से एक शियाटिक नर्व गुजरती है. ठीक है. वो शियाटिक नर्व पूरी आपकी L4 L5 से निकल के पूरी टांग के नीचे होते हुए पाँव तक जाके सप्लाई करती है उसको, जैसे कि ये मोशन हो गई, ये टांग उठाने, ये सारी मोशंस उसकी बदौलत होती है. ठीक है. जब उसमें कंप्रेशन आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शियाटिक नर्व कंप्रेशन की वजह से वो अपना काम करना छोड़ देती है. जब वो दबाव बढ़ता है तो उसके वजह से पेन, नमनेस, टिंगलिंग, मतलब कि जैसे कीड़ियाँ कीड़ियाँ चलना, ये सारी की सारी चीज़ें उससे हमें मिलती हैं. तो उसके अंदर फिर हम ये करते हैं कि हम उसकी स्पाइन को एडजस्ट करते हैं. अक्सर लोग आते हैं हमारे पास और वो आके कहते हैं जी कि हमें बीच वाले मोरों में तकलीफ है. बीच वाले मोरे जिसको हम थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, थोरेसिक स्पाइन में जो पेन आती है वो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो हंच करके ऐसे बैठेंगे, मोटर बाइक चलाएंगे तो आगे बिल्कुल शोल्डर्स को अपने यूं करके चलाएंगे, ठीक है. गाड़ी में बैठेंगे तो बिल्कुल ही लीन बैक करके वो चलाएंगे गाड़ी को. तो इन सब चीज़ों की वजह से हंच बैक बनने की